क्यों बाबा, क्या कर रहे हो बाबा? ये खाए बर जमीन बना थे जी। अच्छा, क्या बना रहे हो? खेत खाए बनाए बर। तो क्यों बाबा जी, ये तो जंगल है बाबा। जंगल है तो डिप्टी रेंजर तो पैसा दें तो काटो बाबा की से। अच्छा, डिप्टी रेंजर आपसे पैसा लिया? कितना? 12,000। अच्छा, कब दिए हो जी? बहुत दिन हो गए साहब। फिर भी 8 दिन 4 दिन 15 दिन? 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया। कितना पैसा दिए हो? 12,000 इस जंगल के लिए। और क्या बोला? काटो बाबा के कहे। मैंने जंगल को काटो बाबा बोले? अच्छा, क्या है उसका नाम? क्या है? खुमरी। खुमरी कहते डिप्टी रेंजर लगा। खुमरी। अच्छा अच्छा, तो आपसे 12,000 पैसा मांगा है इस जंगल को काटो करके। अच्छा अच्छा, किसी के सामने दिए हो? हाँ, एक जन लड़का जी से, सब नज़दीक में खेत बाड़ी है ते लड़का के पास में दे हैं। अच्छा, किसको दिए हो? लड़का को बुला के दिए हो कि लड़के को दिए? लड़का को बुला के दिए हैं। वो लड़का को बुला के उसके सामने में रेंजर साहब को दिए हो, डिप्टी रेंजर खुमरी को? हाँ। 12,000? हाँ। अच्छा, कितना सारा ज़मीन यहाँ काटने के लिए आपको बोला है? 1.5 एकड़। अच्छा, 12,000 में 1.5 एकड़ ज़मीन को काट लो बाबा बोले। आपका नाम बताओ तो। अनूप। 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 क्या सग, क्या जाति? गोड़। कहाँ रहते हो? कौवाझर। अच्छा, तो कितना सारा काट लिया हो बाबा? अब एक दो दिन के काम बचे थे, सब कटा गए। अच्छा अच्छा, 2 दिन के काम और बचा है, उसके बाद 1.5 एकड़ ज़मीन आपने काट लिया है। ये देखिए साहब, ये हमारे डिप्टी रेंजर AK खुमरी का घूस लेके शासन की कर्मचारी होकर के, वन विभाग की कर्मचारी होकर के, आप खुद देख रहे हैं, 12,000 पैसा लिया है 15 दिन पहले और ये अतिक्रमण करवा रहा है। देखिए 822 कक्ष क्रमांक में, बताइए इस टाइप का यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे लगा सागौन, कर्रा, सेन्हा, सभी प्रकार के झाड़ हैं यहाँ, और ये घने जंगल को आप देखिए। और ये बाबा जी से 12,000 पैसा लिए हैं, ये इनका कहना है, 12,000 पैसा लेकर के 1.5 एकड़ ज़मीन काटने के लिए इनको अनुमति दिए हैं। कुछ लिखित उखित में दिया बाबा? नहीं दिया। क्या बोले, पैसा दो और इसको काट लो? हाँ, पैसा दो और काट लो। वैसे तो पैसा कहाँ पर दिए? उसके ऑफिस में जाके दिए कि कहाँ? नहीं, साइड में दिए हैं, बकरे के साइड में बकरी है वाले के, लड़के को बुला कर। अच्छा, बाजू में किसी का बाड़ी है, उसमें लड़का कोई था, उसको बुला के आप दिए हो? बहुत बढ़िया। तो कैसे करोगे इसको, आपको छुड़ाएंगे तो छोड़ोगे कि नहीं? अब गरीब आदमी कहाँ छोड़ोगे साहब। अच्छा अच्छा, इस ज़मीन को नहीं छोड़ोगे आप? ठीक बोल रहे हो। ये देखिए कैसे यहाँ सागौन का पेड़ है, और ये देखिए सेन्हा का पेड़ है, ये भीरहा का पेड़ है, अन्य जाति कर्रा का पेड़ है। देखो इस घने जंगल को बाबा जी का कहना है, मैं 12,000 रुपया खुमरी साहब डिप्टी रेंजर को दिया हूँ और मुझे 1.5 एकड़ ज़मीन काटने के लिए अनुमति दिए हैं, ये इनका कहना है। और ये 15 दिन से बाबा जी यहाँ टंगिया लेकर के अकेला काटते हो बाबा? अकेला यहाँ पे जंगल को किस तरीके से साफ किया जा रहा है आप खुद देख सकते हैं। देखिए ये देखिए कितना सारा जंगल कटा है, ये जितने कटा हुआ वाला पेड़ है ये सब 15 दिन से यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, और आज तक हरेश वाले पैसा लेकर के 12,000 रुपये लेकर के यहाँ इनकी तरफ देखने भी नहीं आ रहे हैं, अनुमति दिए हैं कि 12,000 रुपये दो और 1.5 एकड़ ज़मीन यहाँ काट लो, ये बाबा जी का कहना है। ठीक है बाबा जी, ठीक। ये और वीडियो बनाऊँ आपका? और वीडियो बनाऊँ? एक ही थल बना ले रहा है ना। ये देखिए सागौन प्लांट को देखो किस तरीका से काटा जा रहा है, कितने लोग भारी तादाद में। चलिए इनके सामने जा कर के हम इसे थोड़ा चर्चा कर लें, इतना हिम्मत इनको कहाँ से आई। ये देखिए सागौन का पेड़ है, देखो किस तरीके से महिलाएं पुरुष सब लगे हैं। देखिए देखिए ये देखिए ये देखिए, चलिए हम नज़दीक जा कर के इनसे पूछताछ कर लें।
ये देखिए, ये देखिए सागवान का वृक्ष का अच्छा लग कटा जा रहा है। चलिए चलिए हम इनका जानकारी लेते हैं किस वजह से इस तरीके से जंगल का अतिक्रमण किया जा रहा है। एक मिनट आइए भाई, सभी जने आइए तो सामने, आप सभी से निवेदन है सामने आइए, आइए आइए सामने आइए भैया जी, खेत बनाने वाले भैया आइए आइए। देखिए किस तरह से खेत को, जंगल को मेड़ बनाया जा रहा है। आइए आइए सभी आइए, आइए हम वजह जानना चाहेंगे आपसे कि क्यों इस तरीका से आप सागवान प्लांट को अतिक्रमण कर रहे हो, लगे सभी वृक्ष को आप लोग क्यों काटे जा रहे हो, आपका हिम्मत कहाँ से आई है, हम जानकारी लेना चाह रहे हैं आप लोग से। आइए आइए सामने आ जाइए, सभी माताएं बहनें सभी आइए, ये देखिए कितने तादाद में लोग, कम से कम 30-40 एकड़ की प्लाट जमीन को देखिए किस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है। और आज तक शासन प्रशासन सोए हुए हैं, कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये देखिए कैसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये देखिए देखिए सागौन, ये देखो कैसा काटा जा रहा है। आइए आइए आप सभी से नहीं, आपसे आइए आइए, नमस्ते आप सभी जने को नमस्ते, आइए आइए। ये देखिए कितने तादाद पे लोग, कितने संख्या में लोग, देखिए किस तरह से प्लांट को अतिक्रमण किया जा रहा है, 500 एकड़ का प्लांट को। क्यों जी आप लोग कैसे जंगल को काट रहे हो भाई, कारण क्या है, कौन आपको इतना हिम्मत दिया भाई, रेंजर रेंजर लोग आते हैं कि नहीं यहाँ? आते हैं साहब। आते हैं तो फिर इतना उस लोग कुछ रोकथाम नहीं करते जी? कहाँ का पैसा मांगे हो मान। अच्छा हाँ, पैसा मांगा आप लोग से? हाँ। कितना? 20,000 अभी दो, उसके बाद 50,000 फिर देना, इसे बोला। अच्छा हाँ, एक मिनट हाँ फिर से बोलो क्या मांगे, कितना मांगे? ये अभी ना 20,000 मांगा है, खुमरी बोलता है ना का, खुमरी में डिप्टी रेंजर या की रेंजर नहीं जानता। ठीक ठीक ठीक। वो 20,000 मांगा है, उसके बाद 50,000 फिर दो। अच्छा, जब अधिकारी आ गया तो तुम लोग मत काटना, जैसे अधिकारी चला जाएगा तो फिर काटना इसको, ऐसे बोला। अच्छा, कौन बोलता है? खुमरी। खुमरी एक एक खुमरी। हाँ। डिप्टी रेंजर। हाँ। तो अभी उसको कितना पैसा दिए हो? हम लोग 20,000 अभी 20,000 दिए हो। हाँ। और फिर 50,000 फिर बोल रहे थे उसको? तो हम लोग काटने के बाद देंगे बोला। अच्छा हाँ। मैंने 70,000 में सौदा किया है। हाँ। उसमें से 20,000 आप लोग पहले से दे चुके दे चुके 50,000 रुपये ये काटने के बाद दोगे? हाँ। कब से आप लोगों का काम जारी है? यहाँ लगभग करीबन 15 दिन हो गया। 15 दिन से? हाँ। ठीक है ठीक है, आप लोगों का परिचय बताइए। माता राम लोग, आप लोग कहाँ से हो? गुरुडी। अच्छा, तो आप लोग पैसा दिए हो? ठीक है ना, पैसा दिए हो, 70,000 में रेंजर खुमरी सौदा किया है। ठीक, और आप कहाँ रहते हो साहब, हमको भी पहचान कर बताओ। हम हैं, तुम कहाँ रहते हो? हम तब तो हम कैमरा वाले हैं, आप लोगों का रिपोर्ट हम वहाँ तक पहुँचाएंगे भाई, इतने जंगल को ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसीलिए हम बोले कि इतना हिम्मत इन लोगों का कहाँ से आ गया, कोई ना कोई हमारे अधिकारी मिले होंगे करके हमको शक था, क्योंकि हर जगह इनका कंप्लेन आ रहा है, जहाँ भी अतिक्रमण हो रहा है खाली खुमरी को पैसा दिए हैं, खुमरी को पैसा दिया, ऐसा सभी का कहना है ना। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जमीन को छोड़ना चाहोगे कि नहीं? नहीं 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 छोड़ेंगे, गरीब आदमी। तो आप लोगों को तो जेल हो जाएगा जी? होने दो सर, क्या करें, गरीब आदमी हम लोग। आप लोग जेल भी जाने के लिए तैयार हो? तैयार हो सर। पैसा भी दे दिए हो? हाँ। ठीक 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 कहना,
ठीक ठीक ये देखिए किस तरीके से, देखिए 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 किस तरह से यहाँ ये फावड़ा से और कुल्हाड़ी से झाड़ को काटा जा रहा है और फावड़ा से किस तरीके से मेड़ बनाया जा रहा है। और इनका कहना है कि हम डिप्टी रेंजर एक एक खुमरी को 70,000 में सौदा किए हैं, पूरे प्लाट का 20,000 एडवांस भी दे दिए बता रहे हैं, आप लोगों के सामने सुन रहे हो। और ये लोग ज़मीन को किसी भी शर्त पे नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि इस तरफ से जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करके उनका निलंबित किया जाए। ऐसे करने से तो कहाँ हमारे पास जंगल बचेगी बताइए, पर्यावरण कहाँ रहेगा। ये रक्षक नहीं है, जंगल का रक्षक नहीं है, भक्षक है ये कुमरी का। पहले भी हम शिकायत कई बार से ग्रामीण के माध्यम से दे चुके हैं लेकिन इनकी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मैंने इस पार्ट पे आकर के ये देखिए किस तरह से सागौन का पेड़ को काटा जा रहा है और 500 एकड़ का पेड़ पौधे को क्षति पहुंचाया गया है। और खुमरी एक एक खुमरी जो डिप्टी रेंजर है वहाँ देखने भी नहीं आ रहे हैं और उनका कहना है, बता रहे हैं इन लोग कि साहब आने से छोड़ देना नहीं करना और साहब चले जाने से फिर वापस अतिक्रमण करने लगना, ये उनका कहना है। क्यों यही कहना है ना, यही बोलता है वो खुमरी। देखिए DFO साहब, देखिए SP साहब, देखिए कलेक्टर साहब, ये हमारे डिप्टी रेंजर एक एक खुमरी की कहानी आप सुन लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ इनका तत्काल जाँच हो और ऐसी दोषी अधिकारी के ऊपर निलंबित किया जाए उनको। बस यही कामना के साथ इतने वीडियो बना करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।